कभी आपने सुना है 5 मिनट में बनने वाला ऐसा ज़बरदस्त अचार जो कि खाने में है इतना लजीज और बनाने में है उतना ही आसान। सो हेलो नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल देसी तड़का विद अलीशा में। आज जो हम अचार बनाने वाले हैं वो काफ़ी अलग है, जो कि है प्याज और हरी मिर्च का अचार। और इस अचार को आप यकीन मानिए हम सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में बना के तैयार करेंगे। इस अचार को बनाने के लिए हमें सबसे पहले इस तरह से प्याज और हरी मिर्च को अच्छे से छील के धो लेना है। उसके बाद में एक साफ़ कपड़े की हेल्प से इसको आराम से अच्छे से पोंछना है, ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी लगा है उस पानी को हम अच्छे से सुखा दें, ताकि अचार हमारा ख़राब ना हो। उसके बाद में मैंने इस तरह से प्याज को अच्छे से पोंछ लिया है। फिर बाद में हम इसमें बीच में लगाएंगे इस तरह से कट थोड़ा सा गहरा लगाना है, ताकि जो हम मसाला भरें या जो भी मसाले में हम इसको डिप करें तो वो मसाला इसके अंदर आराम से पहुंच जाए। इसलिए इस प्याज को हमें इस तरह से बीच से अच्छे से कट करना है। एक एक करके इसी तरह से हम सभी प्याज में कट लगा लेंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पे 4 से 5 प्याज लिए हैं। आपको जिस हिसाब से भी अपना अचार बनाना हो, आप क्वान्टिटी उस हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने सभी प्याज में कट कर लिया है, और इसी तरह से आपको भी कट करना है, ताकि मसाला हमारा अच्छे से इसमें चला जाए। उसके बाद में बारी आती है हरी मिर्च की। हरी मिर्च को कट करना है इस तरह से हमें बीच से। इसमें भी सेम प्रोसेस कि जब हम मसाला इसमें डालें तो मसाला अच्छे से इसमें सोक कर ले और अंदर तक ही मसाला चला जाए, इसलिए हम इसमें बीच में से कट कर रहे हैं। आप चाहें तो इसको बिना कट के भी बना सकते हैं, लेकिन आप कट करें तो ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद में हम ले लेते हैं कुछ खड़े मसाले जो कि इस अचार में पड़ने वाले हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच राई, 1 चम्मच हींग और 1 बड़ा चम्मच सौंफ। इन सभी मसालों को हम करीब 2 से 3 मिनट तक की मीडियम फ्लेम पे रोस्ट कर लेंगे। अच्छा, कुछ खड़े मसाले हम पहले ही इसमें भून के डालेंगे, और कुछ मसाले हम पाउडर वाले हैं जो कि हम बाद में मिक्स करते टाइम डालेंगे। 2 से 3 मिनट तक की हम इन मसालों को अच्छे से भूनने देंगे, और हमारे मसाले जब अच्छे से चटकने लगे इसका मतलब हमारे मसाले अच्छे से भुन चुके हैं, और भुनने के बाद में इसमें एक अच्छी सी खुशबू भी आने लगती है। इसलिए आप पहचान सकते हैं कि मसाले हमारे भुन चुके हैं। ये देखिए, हमारे मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। अब इन सभी मसालों को हम इस इमाम दस्ते में पलट लेंगे। अच्छा, आप इसको मिक्सी में भी पीस सकते हैं, लेकिन जो कुटे हुए मसाले होते हैं उनका स्वाद काफ़ी अच्छा आता है। इसके बाद में उसी पैन में मैंने करीब 1.5 कप सरसों का तेल मैंने गरम कर लिया है। ये हम अचार में बाद में ऊपर से डालेंगे, और ध्यान रहे। इसके बाद में एक बोल ले लेंगे और सभी प्याज और मिर्च को इसमें हम एक एक करके डाल देंगे। अच्छा, हमारा दूसरी साइड पे तेल भी गरम हो रहा है, और इस चीज़ का ध्यान रखें कि तेल हमारा बहुत ज़्यादा हीट ना हो, मीडियम हीट हो, नहीं तो हमारे जो तेल का कलर है वो चेंज हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद में जो हमने मसाले भून के इमाम दस्ते में रखे हुए थे उसको मैंने इस तरह से कूट लिया है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे डाला हुआ है 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर। आप चाहें तो साबुत धनिया को रोस्ट करके इसका पाउडर भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने पाउडर वाले धनिया का इस्तेमाल कर लिया है। उसके बाद में 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे डाला है कश्मीरी मिर्च पाउडर, और साथ में 1/2 चम्मच काला नमक, और उसी के साथ में मैंने यहाँ पर डाला है 1 बड़ा चम्मच चाट मसाला, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, और साथ में 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। और इस चटपटे अचार को और ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है 1/2 नींबू का रस। इस नींबू का रस डालने से ना आपके अचार में जो फ्लेवर और जो टेस्ट आएगा ना, वो मैं बता नहीं सकती आपको। जब आप खुद बनाएंगे आपको तभी पता चलेगा। फिर इन सभी मसालों को हमें इसमें अच्छे से कर लेना है मिक्स, ताकि हमारे मसाले हमारे प्याज में अच्छे से लग जाएँ। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपकी हरी मिर्च तीखी थोड़ा कम है या फिर तीखी ज़्यादा है, अगर आपकी हरी मिर्च तीखी थोड़ा कम है तो आप रेड मिर्च पाउडर का इस्तेमाल करें, अगर आपकी हरी मिर्च तीखी है तो आप रेड मिर्च पाउडर की जगह कश्मीरी मिर्च पाउडर का इस्तेमाल करें, क्योंकि कश्मीरी मिर्च पाउडर में कलर होता है और तीखापन थोड़ा कम होता है, तो आप अपनी मिर्च के अकॉर्डिंग इसको डाल सकते हैं। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा करके ऑयल करके मैंने इसमें अच्छे से चाट में कर दिया है मिक्स, और देख पा रहे हैं आप, ये हमारा अचार बनके एकदम है तैयार। और इस अचार को आप करीब 2 से 3 मंथ तक ही आराम से स्टोर करके रख सकते हैं।
और अगर इसमें पानी वगैरह कुछ भी ना हो तो आप इसको एक साल तक के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्वाद में इतना ज़्यादा ज़बरदस्त है कि जब आप इसको खुद बना के खुद खाएंगे ना, आप तभी बता पाएंगे, मैं इस तरह से आपको नहीं बता सकती। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।